नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। बिहार के 37 जिलों के पैक्स चुनाव के लिए नए सिरे से प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार में पैक्स के पुराने चुनाव की अब नई मतदाता सूची तैयार होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार दो बार चुनाव स्थगित करने के कारण फिर से नए सिरे से चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई है। नया वोटर लिस्ट बनाने का निर्देश राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने जारी कर दिया है। इस नई मतदाता सूची को 4 जनवरी 2021 को जारी किया जाएगा। इसके लिए कट ऑफ डेट 15 दिसंबर यानी कि आज तय की गई। राज्य में लगभग 1100 पैक्सों की कार्यकारिणी का चुनाव होना है। चुनाव की अधिसूचना दो बार जारी हुई है और फिर स्थगित हो गई है। पुरानी अधिसूचना के 120 दिन से अधिक हो गए हैं, लिहाजा अब नई अधिसूचना भी फिर से जारी होगी। इस बीच कुछ और नए पैक्सों की कार्यकारिणी की अवधि पूरी हो गई है। इसके मद्देनजर राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने कुल 1287 पैक्सों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये पैक्स शेखपुरा को छोड़कर शेष सभी 37 जिलों के हैं। बिहार में मौसम के अनुकूल खेती की शुरुआत। बिहार के किसान अब साल में 3 फसल की खेती कर पाएंगे। इसको लेकर राज्य के सभी जिलों में मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन से ही कर दी है। पिछले साल 8 जिलों में इसकी शुरुआत की गई थी, जिसके बेहतर परिणाम आए थे। इस बार बाकी बचे 30 जिलों में भी 5-5 गांव में शुरुआत की जा रही है। इसके साथ ही राज्य के सभी 8 जिलों में मौसम के अनुकूल खेती विधिवत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुभारंभ करते हुए कहा है कि इससे किसानों को कम पूंजी में अधिक आमदनी होगी, फसल की उत्पादन लागत भी घटेगी। एक अन्य मार्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की और कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत यह कार्यक्रम स्थायी होगा। पटना के 7 रेस्टोरेंट पर गिरी गाज। खाद्य सुरक्षा विभाग ने 1 सप्ताह पूर्व छापेमारी में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले के तहत पटना के 7 होटल और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी थी। इन्होंने आदेश के बाद भी कुक और वोटर का कोरोना जांच हालांकि नहीं करवाया, जिसके बाद इन होटल और रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की कोरोना जांच 1 सप्ताह के अंदर कराने का आदेश दिया गया था। खाद्य सुरक्षा विभाग ने होटलों में साफ सफाई के साथ कोरोना गाइडलाइन की जांच के लिए टीम बनाई है। टीम अलग अलग क्षेत्रों में छापेमारी कर पड़ताल कर रही है। 1 दिसंबर से चल रहे इस विशेष अभियान में टीम ने पटना के बिरयानी महल की 2 शाखाओं आसमान रेस्टोरेंट, पुख्तान, बेली रोड पर लजीज रेस्टोरेंट पर छापेमारी की थी। इसमें 7 रेस्टोरेंट में साफ सफाई की समस्या के साथ कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला मिला था। बिहार विधानसभा की बनी 22 समितियां। बीते दिन बिहार विधानसभा की 22 समितियों की घोषणा कर दी गई है, जिसके बाद मिली जानकारी के अनुसार सबसे अधिक हिस्सा भाजपा को मिला है। उसे 7 समितियां के सभापति की कुर्सी की जिम्मेदारी मिली है। दूसरे नंबर पर राजद है, राजद को 6 समितियों की जिम्मेदारी मिली है। और तीसरे नंबर पर जदयू की झोली में 5 समितियां आई हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, राजद की तरफ से लालू के लाल तेज प्रताप यादव को गैर सरकारी विधेयकों एवं संकल्प समिति का सभापति बनाया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस को 2, भाकपा माले के हिस्से में 1 और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को SC ST कल्याण से जुड़ी कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। विधानसभा की सबसे ताकतवर लोक लेखा समिति के सभापति राजद के बेलागंज विधायक सुरेंद्र प्रसाद यादव को बनाया गया है। वहीं आचार कमेटी के सभापति भाजपा के राम नारायण मंडल बनाए गए हैं। किसान आंदोलन को लेकर सुशील मोदी ने जारी किया अपना बयान। भाजपा सांसद सुशील मोदी किसान आंदोलन को लेकर लगातार अपना बयान देते रहे हैं। वहीं उन्होंने इस बाबत एक बार फिर से अपना बयान जारी किया और कहा है कि दक्षिण में हैदराबाद नगर निगम और पश्चिम में राजस्थान के जिला परिषद चुनाव की शानदार सफलता मिली है। इसके बाद पूर्वोत्तर में असम के बोडो लैंड परिषद चुनाव में भी भाजपा को व्यापक समर्थन मिला। 40 सदस्यीय परिषद में भाजपा 1 से 9 सीट पर आने के बाद UPPL के नेता प्रमोद बोरो के नेतृत्व में नई परिषद कार्यकारिणी बनाएगा। भाजपा की देशव्यापी सफलता से स्पष्ट है कि पार्टी की नीति नियत के प्रति किसानों, गरीबों और युवाओं का विश्वास लगातार बढ़ा है। यह भी साफ हो गया है कि पंजाब को छोड़कर हर जगह किसान नए कृषि कानूनों के समर्थन में है। सुशील मोदी ने कहा है कि दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तब से वहां बिहार के लोगों का अपमान हो रहा है और लाल हरे नीले हर रंग की भारत विरोधी ताकतों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है। बिहार के किसानों ने मांग नहीं मानने पर दिल्ली जाने की कही बात। केंद्र सरकार की तरफ से पास किए गए कृषि कानून को लेकर पूरे देश के किसान लगभग विरोध करते नजर आ रहे हैं। वहीं अब किसानों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ने लगा है। इस बाबत किसान संगठन ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर उपवास रखा, साथ ही खूब प्रदर्शन भी किया। किसान संगठन के इस प्रदर्शन से जुड़े वाम दल के अलावा भी कई संगठनों ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही इस दौरान जिलाधिकारियों को भी ज्ञापन सौंप दिया गया है, जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो बिहार के
किसान भी दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय महासचिव राजा राम सिंह और सचिव उमेश सिंह ने कहा है कि भाजपा प्रचारित कर रही है कि आंदोलन में केवल पंजाब के किसान हैं, लेकिन अब बिहार के बंटाईदार किसान तक आंदोलन में उतर चुके हैं। उन्होंने जनता से 29 दिसंबर को आयोजित राजभवन मार्च को भी समर्थन देने की अपील की है। भाजपा ने कृषि कानून को बताया किसानों के हक में। बिहार भाजपा ने एक बार फिर से कृषि कानून को किसानों के हक में बताया है, जो इसके तहत बिहार भाजपा ने यह दावा किया है कि कृषि कानून देश के अन्नदाताओं के पक्ष में है। बीते दिन प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पार्टी नेताओं ने यह बात कही है, जिसके तहत बिहार भाजपा की तरफ से यह कहा गया है कि आगामी 20 दिसंबर को पटना महानगर के सभी विधानसभा क्षेत्र में किसान सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। भाजपा विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने कहा है कि मोदी सरकार की तरफ से लागू कृषि कानून देश के अन्नदाता किसानों के हित में है। साल 2022 तक प्रधानमंत्री मोदी का किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने वाला यह कानून है। इस बिल का विरोध करने वाले सिर्फ बिचौलिए ही है, जो भ्रमजाल फैलाकर अराजकता का माहौल बना रहे हैं। राजद ने भाजपा के किसान चौपाल को बताया ढकोसला। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने भाजपा के किसान चौपाल को लेकर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने भाजपा की तरफ से शुरू किए गए किसान चौपाल को ढकोसला घोषित कर दिया है और कहा है कि बिहार के किसान उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। राजद प्रवक्ता ने कहा है कि बिहार के किसानों के बारे में एनडीए नेताओं द्वारा फर्जी दावे किए जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि बिहार के किसानों ने दूसरे राज्यों की तुलना में ज्यादा आक्रोश है। इसका इजहार उन्होंने अभी हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भी कर दिया है। राजद प्रवक्ता ने चुनाव में एनडीए को मिले किसानों के समर्थन के दावे को खारिज करते हुए कहा कि बिहार के जिस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है, वहां एनडीए का खाता भी नहीं खुला है। इसके साथ ही आपको बता दें, किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली में आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में बिहार की आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बीते दिन एक दिवसीय उपवास पर भी रहे थे। बिहार में कांग्रेस ने की राहुल गांधी से फिर से कांग्रेस संभालने की मांग। कांग्रेस वर्तमान समय में अपना अस्तित्व खोती नजर आ रही है। इसका एक कारण कांग्रेस के अध्यक्ष की कमी का होना है। हालांकि वर्तमान समय में कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी संभाल रही है, मगर एक बार फिर से बिहार कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को पार्टी की कमान सौंपने की मांग उठाई गई है। पूर्व विधायक जनार्दन शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में नेताओं ने कई फैसले लिए हैं। परिचर्चा के बाद एआईसीसी सदस्य और राज्यभर से आए अन्य नेताओं ने बैठक कर राहुल गांधी को फिर से पार्टी की कमान संभालने का आग्रह करने का प्रस्ताव पास किया है। एक अन्य प्रस्ताव में बिहार कांग्रेस में हुए कथित टिकट घोटाले के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने भाजपा सांसद को नसीहत देने की कही बात। भले ही चुनाव परिणाम आने के बाद जीतनराम मांझी की पार्टी एनडीए के साथ मिलकर सत्ता में आने में कामयाब हो गई हो, मगर अभी भी पार्टी नेताओं के बीच खींचतान का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में हम प्रमुख जीतनराम मांझी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दो टूक नसीहत दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि वे अपने सांसद को समझाए कि एससी एसटी को अपमानित न करें। दरअसल यह पूरा वाक्य साध्वी प्रज्ञा से जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बीते दिनों शिवहोर में एक क्षेत्रीय सम्मेलन में शिरकत करने के दौरान अपने संबोधन में कहा कि क्षत्रिय को क्षत्रिय कह दो बुरा नहीं लगता है, ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दो बुरा नहीं लगता है, लेकिन शूद्र को शूद्र कह दो बुरा लग जाता है। उनके इस बयान को लेकर ही देश में उनकी फिर से एक बार फजीहत शुरू हो गई है। खरमास शुरू होने के साथ ही नीतीश कैबिनेट के विस्तार की संभावना पर लगा ब्रेक। सरकार गठन के साथ ही नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर लगातार बयानबाजियां जारी है। वहीं इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, जिसके बाद सभी विपक्षी दलों ने एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं होने का दावा कर दिया है। वहीं अब आज से खरमास की शुरुआत हो चुकी है। नीतीश कैबिनेट के विस्तार पर पूर्ण विराम लग गया है, क्योंकि माना जाता है कि खरमास में कोई शुभ काम नहीं किया जाता है और अब ये 15 जनवरी तक रहेगा। मुख्य विपक्षी दल राजद का कहना है कि कैबिनेट विस्तार एनडीए की खटपट की वजह से नहीं हो रहा है। वहीं जदयू का तर्क है कि कैबिनेट विस्तार सीएम नीतीश कुमार का अपना क्षेत्राधिकार है, तो भाजपा का कहना है कि आवश्यक हो तो कभी भी कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। राजद ने भाजपा के चक्रव्यूह में नीतीश के फंसने की कही बात। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद छाई खामोशी ने बिहार के राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी को हवा दी है। विपक्ष सरकार में फैले सन्नाटे पर लगातार सत्ता पक्ष के ऊपर तंज कसता नजर आ रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने सोमवार के दिन एनडीए गठबंधन में शामिल जीतनराम मांझी को साथ आने का ऑफर दिया था, वहीं अब राजद ने भी नीतीश कुमार को भाजपा से अलग होने की नसीहत दी है। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि नीतीश कुमार चारों तरफ से घिर चुके हैं और भाजपा उन्हें फंसाना चाहती है। राजद विधायक ने कहा है कि भाजपा का मकसद नीतीश कुमार का सब कुछ खत्म कर देना है। पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन ने की
भारत के हारने की भविष्यवाणी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडलेड में 17 दिसंबर से 4 मैचों की टेस्ट सीरीज की शुरुआत होने वाली है। इस सीरीज से पहले दोनों देशों के बीच वनडे और टी20 सीरीज हुई है, जिसमें दोनों टीमों ने एक एक सीरीज अपने नाम किया है। वहीं मैच शुरू होने से पहले ही इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने हाल ही में भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि अगर भारत कंगारू टीम के खिलाफ एडलेड में होने वाले पहले मैच में हार जाता है तो उसे सीरीज के अगले 3 मैचों में भी हार का सामना करना पड़ेगा। हालांकि उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि शायद वो दोनों देश के बीच हुए पिछले टेस्ट सीरीज के नतीजे को भूल गए हैं। आपको बता दें, पिछली बार भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया की बड़ी हार की बात कही गई थी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में दीपिका सारा और अर्जुन रामपाल के मोबाइल फोन की होगी जांच। सुशांत सिंह राजपूत के दुनिया को अलविदा कहने के बाद एनसीबी ने पूरे मामले में हस्तक्षेप किया था। वहीं अब इस पूरे मामले में दीपिका सारा और अर्जुन रामपाल का नाम भी सामने आया था। वहीं अब इस पूरी प्रक्रिया की जांच के तहत अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसके तहत एनसीबी ने इन सभी कलाकारों के गैजेट्स को जांच के लिए फॉरेंसिक लैब्स में भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इनके अलावा भी कई लोगों के लैपटॉप और मोबाइल को जांच के लिए लिया गया है। अहमदाबाद मिरर की रिपोर्ट के अनुसार लैब में 30 गैजेट्स की जांच हो चुकी है और उन्हें वापस कर दिया गया है। इनसे लिए गए डेटा की जांच के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके अलावा 25 ड्रग्स के सैंपल की भी जांच की जा रही है। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार कांग्रेस और राजद की तरफ से बार बार एनडीए में शामिल दलों को दल बदलने के लिए दिए जा रहे ऑफर को जदयू और हमको स्वीकारना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।